तो ये रहा फाइनली पार्थ का नया लैपटॉप। ओए अरे होए, कमाल। सर एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 19 मई 2021। मैं हूँ अभी गुड़गांव में। सुबह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, देख सकते हो आप, रोड पर पानी पानी भर चुका है। और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं फ्लैट पर, मुझे कुछ वीडियो शूट करनी है, क्योंकि आपको पता ही है सारा सेटअप वहीं बना रखा है, पीसी भी मेरा वहीं पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए कुछ भी शूट करना होता है या इनवॉइस बनाना होता है तो मुझे फ्लैट जाना ही पड़ता है। उसके लिए रह नहीं रहा मैं अभी थोड़े दिन फ्लैट, अभी मतलब अपने इस वाले घर में ही रह रहे हैं हम, जहाँ पे मम्मी वहाँ पर रहते हैं, और थोड़े दिन बाद फिर वहाँ जाएंगे। और मम्मी को भी थोड़ा बहुत मैंने कहा फिर काम वाम निपटा लेंगे अगर, क्योंकि 3-4 दिन से हम रह तो रहे नहीं है, 3-4 दिन भी कहाँ, 6 दिन हो गया ना, 5-6 दिन हो गए। मैं शायद से 12 या 13 तारीख को घर वापस आया था, और आज देख लो 19 हो गई, 7 दिन हो गए। बताओ, मुझे नहीं पता आपको शीशे पे दिख रहा होगा कि नहीं, जो ओस सी जम जाती है ना सर्दियों में, तो स्पेशली काफी जमती है, तो इसमें सीधा डीफ्रोस्ट या डीफोगर जो भी कहते हैं इसे मुझे पता नहीं है, पर ये दे रखा है रियर और फ्रंट का। मैं जैसी फ्रंट का दबाऊंगा ना, देखना ये जितना भी धुंधला मतलब वो है ना ओस है, वो एकदम से हट जाएगी। और इतना तेज है ना भाई ये कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सेकंड लगते होंगे। ये देख लो साफ हो गया, कैमरा में समझ नहीं आ रहा, बट आंखों से देखते हैं ना जब पता चलता है भाई, स्पेशली जब सर्दियों में देखते हैं, क्योंकि अभी तो बारिश की वजह से ये ओस है, बट सर्दियों वाली जो ओस होती है ना, ओस या फोग जो भी जम जाती है, वो बहुत अच्छे से हटा देता है। और इसी मौसम में भाई अपनी ऊपर जो पूरी मून रूफ है उसका पैनोरामिक सनरूफ, मून रूफ नहीं सॉरी, मतलब इतने टाइम से भाई बात नहीं करी ना इन चीज़ों के बारे में तो नाम तक भूल जा रहा हूँ मैं, तो जो पैनोरामिक सनरूफ है उसका फायदा होता है, खोल नहीं सकते सनरूफ, बट ऐसे देखो कितना मस्त नज़ारा आ रहा है ना, अब देखो प्रॉपर। बैड की चाबी कहाँ रखी है मम्मी? गाड़ी में रखे गया था मैं शायद से, तो ये रही मिल गई। चलो भाई चलो, मेरे को लगा चाबी हम घर पे ही भूल आए, अगर घर पे भूल आए होते ना फिर वापस इतनी दूर जाओ आओ डबल टाइम लग जाता, वैसी बारिश आ रही है। लाइट भी गई हुई है, बट अपने पास तो दो दो इन्वर्टर लग रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं। हाँ कर दो, मौसम तगड़ा हो रहा है तो आज बालकनी खोल देते हैं। ओहो, अंदर तो कितनी घमस हो रही है और बाहर इतना ठंडा मौसम, बताओ। खोल दो मम्मी ये सारे, ये वाला गेट खोल देंगे और साथ वाले सेटअप रूम का भी गेट खोल देंगे, फिर मस्त हो जाएगा, अंदर भी ठंडा ठंडा। सारी जगह गंदगी गंदगी हुई पड़ी है, क्योंकि 5-6 दिन से काम वाली आंटी भी आ नहीं पा रही है ऑब्वियसली, क्योंकि हम नहीं हैं यहाँ पर, तो इसलिए सफाई भी नहीं हो। अब क्या फ़ोन कर, बारिश में थोड़ी आएंगी वो, आंटी साइकिल पे आती है मस्त, पर अब कहाँ बारिश में, तो सही है करके। अरे नहीं आएंगी मम्मी बारिश में, कौन आएगा। चलो अभी हम हैं यहाँ 1-2 घंटे वेट कर लेते, अगर ठीक है 4-4:30 तक आ जाएंगी तो ठीक है, करता हूँ। आपको याद होगा जब मैं पिछले वाले फ्लैट में था, वहाँ पर मैंने अपने लिए और ब्रूनो के लिए ये ट्रिमर मंगवाया था, जिससे कि ब्रूनो के बाल तो कट नहीं पाए थे, इसलिए मुझे बाहर जाके उसके पूरे मुंडन करवाना पड़ा था, बट मेरे इससे अच्छे से ट्रिम हो जाएगी, बाहर जा नहीं सकते लॉकडाउन और वैसे भी इतने केसेस हो रहे हैं, तो उससे अच्छा अपना घर में ट्रिम कर लेते हैं। बाल भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, बट ठीक है बाल संभल जाएंगे, दाढ़ी और मूछें काटना ज़रूरी है। पहले इसे मैं चार्ज पर लगा देता हूँ, साथ में चार्जर आया हुआ है, सारी एक्सटेंशन आई हुई है। इस फ्लैट में ना मैंने कहीं पर भी बिल्कुल भी पावर सॉकेट की तो मतलब कमी छोड़ी नहीं है। टीवी के नीचे एक एक्सटेंशन, 3, 4, 5, 6 स्लॉट, एक यहाँ पे स्लॉट, ठीक है एक एक्सटेंशन वहाँ लगवा लिया जिसमें 4 स्लॉट है, उसके नीचे भी एक स्लॉट मतलब 5 स्लॉट, उधर भी सेम एक एक्सटेंशन और एक स्लॉट है मतलब 5 स्लॉट। मेरा जो गेमिंग रूम है उसमें तो हद से ज़्यादा स्लॉट लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ तो ज़रूरत भी पड़ती है भाई, इतने सारे डिवाइसेज हैं। जिम वाले रूम में भी अच्छे खासे स्लॉट्स हैं, हॉल में भी काफ़ी स्लॉट्स है, तो इस बार स्लॉट्स की कमी नहीं पड़ेगी, जहाँ मर्जी बैठ जाओ चार्जिंग का आपको स्लॉट मिल जाएगा मस्त। फिलहाल मैंने ट्रिमर यहाँ पे लगा दिया। आज मैंने 11 बजे एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने हायाबुसा की फुल पेमेंट कर दी है, तो उस चीज़ से रिलेटेड दो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स देख रहा था मैं, वो डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। और मम्मी और मैं अभी अभी बात कर रहे थे कि पहले मतलब 1 लाख रुपए आज से कुछ साल पहले कितना बड़ा वैल्यू रखते थे, ऐसा लगता था 1 लाख रुपए है कितना बड़ा अमाउंट है, बट अब देख लो भाई
2-3 लाख रुपए तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो जाते हैं कैसे। मतलब हमारा उस टाइम पे घर का खर्चा मेरे ख्याल 10,000 में भी आराम से हो जाता होगा, और अभी भाई 1 लाख रुपए भी घर पे रख दो वो भी महीने के बाद खर्च हो ही चुके होते कहीं ना कहीं छोटा मोटा। हाँ वही तो, एक बार तो ऐसा हुआ था कि भाई है ना मेरा, उसको चाहिए थे बैंक में ट्रांसफ़र, उसमें उसके पास पड़े थे कैश, तो मैंने उससे कैश ले लिए 1 लाख रुपये और उसको ट्रांसफ़र कर दिए, 1 लाख रुपये थे घर में। और भाई साहब वो 1 महीने से भी पहले 1 लाख रुपये खर्च हो गए इधर उधर इधर उधर, छोटी मोटी चीज़ें, मतलब इतनी महंगाई बढ़ गई है। सबसे पहली चीज़ जो लास्ट वाले ब्लॉग में लोग कह रहे थे कि एक साथ इतने पैसे क्यों ट्रांसफ़र करे, मतलब EMI पे भी तो ले सकता था बाइक, मतलब बाइक के मैंने सारे एक साथ 18-18.5 लाख रुपए क्यों दे दिए, तो EMI पे क्यों नहीं लिया वो तो मैंने उसी में समझा दिया था। बट लोग ये कह रहे थे कि आपके अब बैंक में पैसे नहीं बचे हुए तो ऐसे रहने चाहिए थोड़े बहुत पैसे, या फिर सारे जितने कमाते हो वो सब उड़ा देते हो बेकार की चीज़ों में। तो इसमें मैं बताता हूँ, जैसे मेरी मान लो जितनी भी महीने की इनकम होती है ना, मान लो मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ एग्जांपल के लिए, तो उसका ना 50% मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, कुछ भी हो सकता है वो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, कहीं ना कहीं, बट उसका 50% यानी 5,000 रुपये इन्वेस्ट होता है। बचा हुआ 5,000 उसमें से घर के खर्चे चलते हैं, रेंट हो गया, खाना हो गया, इधर उधर की चीज़ें हो गई, जो भी चीज़ें हैं, बिजली का बिल हो गया, और जो उस 5,000 में से खर्चा करने के बाद पैसे बचते हैं ना वो ही मैं सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में रखता हूँ और उन पैसों को टोटल जोड़ता हूँ, और फिर जब वो पैसे इकट्ठे होते हैं ना कुछ ज़्यादा अमाउंट में, तब मैं कोई ना कोई चीज़ खरीदता हूँ, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, बाइक हो गई, कार हो गई, कुछ भी हो गया ऐसा चीज़, तो वो मतलब मेरा इनकम का 20-30% होता है जब जुड़ जुड़ के फिर वो चीज़ आती है। और ये 10,000 में आपको एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब इससे ज़्यादा ही होते हो ऑब्वियसली, 10,000 में तो खैर क्या ही होगा। तो ये रीज़न था भाई कि पैसे जुड़ने पर ही मैं चीज़ लेता हूँ, वरना हो सकता था मैं 1 साल पहले भी ले लेता अगर लोन पे ही लेनी होती, EMI पे लेनी होती, बट मैंने वेट किया 1-1.5 साल का पैसे जोड़े और उसके बाद ही लिया है। देखना मम्मी ये वाला लुक कैसा लग रहा है, रख लूँ ऐसे। तो मैंने क्या किया, गलती से 1 नंबर पे ट्रिमर चला दिया, मेरे को 2 पे करना चाहिए था, तो दाढ़ी काफ़ी छोटी हो गई और मूछें मैंने काटी नहीं, तो अजीब नहीं लग रही, मूछें थोड़ी बड़ी लग रही है अंकल लग रहा हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी ट्रिम कर लेता हूँ मूछें, ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लग रही। अब बेटर लग रहा है थोड़ा सा छोटी मूछें करने के बाद, फटाफट से मैं वीडियो शूट कर लूँ अपनी कंप्लीट, निकलना भी है क्योंकि थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले वो दूसरी बात कर लेता हूँ लास्ट वीडियो से रिलेटेड। यार देखो YouTube पे ना एक कंटेंट की रेस होती है, जो पहले कंटेंट डाल देगा उसका चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा एक और चैनल है अनमोल जायसवाल का, जहाँ पर मैं गेमिंग से रिलेटेड टेक वीडियोज़ डालता हूँ, तो वहाँ पर जैसी PlayStation 5 लॉन्च हुई ना, मेरे को जल्दी थी भाई, मेरे पास आए फटाफट से ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ अलग अलग टॉपिक्स पर और मेरा चैनल ग्रो करे। बट इस चैनल पे यानी कि इंडियन बैकपैकर में भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा चैनल बाइक्स और कार से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं हायाबुसा, मतलब काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि इतनी जल्दी क्या लग रही है आपको हायाबुसा लेने में, फर्स्ट लोड में क्यों लेनी है, आराम से लेना ना, तो भाई जल्दी इस चीज़ की नहीं है कि मेरा चैनल ग्रो होगा या मेरे को कॉन्टेंट मिलेगा। मैं कोई बाइक या कार्स का रिव्यू करने वाला चैनल नहीं रन करता, जो मेरे को सबसे पहले ही चाहिए बाइक, तभी मेरा कॉन्टेंट आगे बढ़ेगा। नॉर्मल लाइफस्टाइल व्लॉगिंग है या फिर ट्रैवल व्लॉगिंग रहती है अपनी, तो मुझे मेन जो रीज़न है ना कि बाइक चाहिए जल्दी से जल्दी, वो ये है कि भाई चुल है, फर्स्ट सुपर बाइक है बहुत टाइम से, मतलब जनवरी में मैंने ऑलमोस्ट हायाबुसा खरीद ही ली थी सेकेंड हैंड वाली, उसको चलाने के बाद से तो अब वेट ही नहीं होता कि भाई मतलब जल्दी से आ जाए, क्योंकि वो डील कैंसिल हो गई थी, आपको पता ही होगा क्या सीन था। बस इसलिए मैं जल्दी मचा रहा हूँ, मुझे भले इंडिया की फर्स्ट बाइक ना मिले, ना मैं टाइटल में डालना चाहता फर्स्ट बाइक ऑफ इंडिया, सेकंड बाइक ऑफ इंडिया, ये वो खलाना डिमकाना, मेन है मुझे जल्दी मिल जाए ताकि मैं चला सकूं बाइक, फर्स्ट डे मिल जाए बाइक, भले ही जिस मर्जी को पहली दूसरी मिलती जाए, क्योंकि मेरी ऑब्वियसली बात है भाई सुजुकी में सच कोई जानकारी भी नहीं है, ना ही मैं कोई जैक लगा सकता हूं, तो मुझे पहली दूसरी बाइक पता नहीं मिलनी भी है नहीं मिलनी है, फ़र्क भी नहीं पड़ता उससे, मेन है जल्दी चलाने के लिए मिल जाए, ओहो मज़ा आए। बाकी जिसको पहली दूसरी चाहिए भैया दे दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अनमोल जायसवाल के लिए वीडियो शूट करने लगा तो पता चला कैमरा की बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो इसको मैं थोड़ी देर चार्ज पे लगा देता हूँ, 20-25 मिनट में इतनी चार्ज तो हो ही जाएगी बैटरी की, मैं एक वीडियो शूट कर पाऊंगा। फ्लैट का तो सारा काम हो गया है, शाम के 5:30 बज गए हैं, बारिश अभी तक नहीं रुक रही भाई, सुबह की लगातार बारिश आ रही है, और मुंबई गोवा साइड में तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है तूफान की वजह से, यहाँ पर तो फिर भी आज और कल थोड़ी बहुत आई थी बारिश, पता नहीं एक इसी मतलब 2020 और 21 में इतना कुछ हो गया, कोविड, तूफान, भूकंप, पता नहीं क्या क्या आए जा रहा है इसी 2 सालों में,
फिलहाल हम मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, वो गई हुई थी अपने घर वापस, तो उसको लेकर आना है और हमें अपने घर पे जाना है। तो मतलब घर घर खेल रहे हैं हम यहाँ पर, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, फिर तीसरे घर से जाके वापस से अपने पहले वाले घर। बारिश की पानी की वजह से कहाँ कहाँ पे गड्ढे है पता ही नहीं चलता, और है भी इतने गहरे गहरे गड्ढे। अभी अभी गाड़ी मेरी एकदम से यूं ढम हुई और फिर हम निकल गए। देख लो SUV होने का यही फायदा है, यही सेडान गाड़ी होती, मेरे को पसंद जबी भी नहीं है, इसलिए वो नहीं है, क्योंकि मैं ट्रिप्स मारना चाहता था, हिमाचल वगैरह ले जाऊंगा, जो मैं ले जा नहीं पाया अभी तक लॉकडाउन की वजह से। बट लंबे लंबे ट्रिप मारने हैं तो मेरे हिसाब से मुझे SUV ही फिट बैठेगी, और पसंद भी मुझे SUV है, इसलिए मैंने क्रेटा ली। इसके बाद अपनी आपको पता ही है कौन से लेने वाले हैं हम, रेंज रोवर, वेलार या फिर इवोक लेने वाले हैं। मतलब अभी 4-5 साल बाद, 4-3 साल जितने भी हैं, हाल फिलहाल में कोई प्लान नहीं है। अपनी हायाबुसा आएगी पहले, तो उसके बाद देखते अगले साल या फिर कब तक अपनी BMW 1250 GS एडवेंचर आएगी, फिर उसके बाद रेंज रोवर का नंबर आएगा। दिलवा दो मम्मी अभी बाइक, हैं? ले तो लेंगे, पर वो शोरूम वाले को पैसे कौन देगा? तुमने हायाबुसा के टाइम पे भी कहा था पैसे ले ले, और फिर तुमने आखिरी टाइम पे वो पॉलिसी का जो गफला हो गया है जी। कोई नहीं, जल्दी लेंगे BMW, वो तो अपनी ड्रीम बाइक है बिल्कुल टूरिंग के लिए। और सुपर बाइक्स में एक तो हायाबुसा और BMW की S1000 RR, दो बाइक है, क्या बात है। बारिश के टाइम पे एक्चुअल में कितना मस्त लगता है, ये ऊपर से ऐसे बूंदे टपक रही है। हाँ ठंड लग रही है, मौसम अच्छा हो रहा है आज, मतलब काफी ज्यादा। हमने शीशे बंद कर रखे, AC भी बंद कर रखा है, वरना तो हालत खराब हो जाए। और मेरे को लगता है AC के साथ ही मेरी क्रेटा इतनी कम एवरेज देती है 8-9 की, जब मैं AC नहीं चलाऊंगा ना सर्दियों में, तब मेरे हिसाब से 13-14 तक की दे करेगी। फिर रोने लग गया तू, कल वाले ब्लॉग में भी रो रहा था, सब लोग कह रहे पार्थ रोंदड़ू है। मैंने तेरे को कल मना किया था ना, कैमरा नहीं दूंगा तेरे को मैं, मेरे फोन से बना ले। नहीं ठीक है, जा फिर। तूने कल वैसे भी हनुमान चालीसा सुनाई नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया था कि तेरे को कुछ भी अब से हम नहीं दिया करेंगे, ना आईपैड देंगे और ना ही कैमरा देंगे। मेरा बाबू, मेरा छोटू, क्या हो गया, सारा दिन रोना धोना क्यों होता है तेरा? छोटा कैमरा कौन सा लेना है तूने, पैसे दो और कैमरा लो। पैसे कितने है तेरे पास? ये पैसे कितने है? ये आईपैड ले ले, चल आईपैड से मजे करो, इसमें वीडियो बना लो, बड़े होके, बड़े होके ये कैमरा मिलेगा, ठीक है? अभी बच्चों को यही फिर देख नोटा रोन आंसू। आज मेरी तरफ से पार्थ के लिए एक सरप्राइज भी है ना, इसे पता नहीं है, दे दूं सरप्राइज है, चाहिए? इसको हमेशा से अपना एक लैपटॉप चाहिए था, जो इसके पास नहीं था, है ना, चाहिए तेरा लैपटॉप? क्या करेगा लैपटॉप में? गेम खेलेगा बस, और कुछ नहीं। तो ये रहा फाइनली पार्थ का नया लैपटॉप। ओए होए, तेरा है ये पार्थ? बोले इसे देखे अंदर, चलो पार्थ फाइनली तेरा लैपटॉप खोल रहे हैं, नवा नवा, वो भी इतना महंगे वाला। ओए होए होए, ये रहा HP का स्पेक्टर, क्या बात है लड़के। ओए पार्थ के लिए छोटू सा लैपटॉप, खुश है? अब क्या करेगा आप बता, सारे बटन देख कितने प्यारे प्यारे से, सुंदर सुंदर से, है ना, अच्छा लग रहा है तेरे को? पक्का? बिल्कुल पक्का? पक्का। कलर भी अच्छा है? पक्का। और चलाना तो तेरे को आता ही है ना? ये सिखाना पड़ेगा? सिखाना पड़ेगा। चल सिखा दूंगा, खुश है अब तो लड़के। और ये हम मजाक कर रहे थे पार्थ के साथ, पार्थ का तो ये लैपटॉप ही नहीं है, बेइज्जती हो गई पार्थ की। तेरा नहीं है बाबू ये तो, असल में मेरा जो अनमोल जैसोल चैनल है, उस चैनल के लिए ये लैपटॉप आया है, तो मैं इसको कुछ दिन यूज़ करूँगा, उसके बाद डिसाइड करूँगा कि रिव्यू बनाना है नहीं बनाना। ऑब्वियसली लैपटॉप वापस जाएगा, बट पेड रहेगा ये पूरा, तो मैं यूज़ करूँगा, स्क्रिप्ट बनाऊँगा कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा इस लैपटॉप के बारे में, क्या क्या बुरा लगा, फिर वो मैं ब्रांड को भेजूँगा, अगर ब्रांड कहता है कि हाँ ये बातें भी आप बोल सकते हो अपनी वीडियो में, तो ही ओके होएगी मेरी तरफ से डील, और फिर उसके बाद आप अनमोल जैसोल चैनल पर इसको इसका रिव्यू देख लोगे। पर पार्थ को नहीं मिल रहा बेचारे को, खुश हो गया था पार्थ, है ये इसको अब चक्कर की पड़ी रहती है, क्रेटा में एक चक्कर कटवाया हो सारा दिन, लैपटॉप नहीं चाहिए? अच्छा बता, क्रेटा में एक चक्कर काटना है या लैपटॉप लेना है? चक्कर काटना है भाई, इसे तो लैपटॉप नहीं चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, अभी तेरे पापा को खाना देने जाएंगे ना, फिर तेरे को भी ले जाएंगे, ठीक है, चक्कर कटवाने। आगे बैठेगा तू?
ठीक है सर, खा फटाफट खा ले खाना। और आप इसका डब्बा देख के बता ही सकते हो कि ये यूज्ड है लैपटॉप, क्योंकि एक ही लैपटॉप ब्रांड काफी सारे क्रिएटर्स को भेजता है, तो पता नहीं मेरे पास शायद तीसरे या चौथे नंबर पे आया है। ब्रांड से मेरी बात चली थी मेरे ख्याल फरवरी या मार्च में, और अब जाते जाते देख लो मई भी खत्म होने वाला है तब जाके डिलीवर हुआ है, बट कोई नहीं 5-10 दिन में अच्छे से यूज करके रिव्यू हो जाएगा। इंटेल का i7 बड़ा सही लग रहा है यार, छोटा सा हल्का सा है बड़ा, है ऐसा ही ला दूंगा तेरे को भी, ठीक है लैपटॉप। हाँ पार्थ को तो वैसे आईपैड चाहिए या फिर एक टैबलेट ला दूंगा कोई एंड्रॉइड इसके बड्डे पे। ओ बैग भी मिला इसका, वाओ चलो अपना तो नहीं है फिर वापस ही जाएगा जो भी मिला। मेरे जो जीजू है वो अपने घर में है दूसरे वाले, और मेरी बहन यहाँ पर है, तो वहाँ पर कोई खाना बनाने वाला नहीं था, इसलिए हम खाना यहीं से बना के फटाफट से उनको देकर वापस आ जाएंगे। बारिश बहुत तेज हो रही है हद से ज्यादा। ठीक है जी, इस वाले व्लॉग के लिए देने लगते हैं, रोटी देने जा रही है मेरी बहन, अब हम सीधा घर जाएंगे। बहुत ज्यादा तेज बारिश है, मतलब हर जगह पानी पानी भरा हुआ है, गाड़ी भी नहीं चल रही थी एक जगह तो इतना पानी था। ओके जी टाटा। पार्थ कैसा लगा तेरे को नया लैपटॉप, जो तेरा है ही नहीं, खैर बेइज्जती होगी ना। ओके जी मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय सोनू भैया, मत करो सोनू भैया, बाय बाय।